हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक बॉय सौरभ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले कि कैसे हम अपना वर्कपीज साइट को पीएचपी साइट के जैसे डिजाइन कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं आपको एक साइट दिखा देता हूँ, मैं किस साइट की तरह आपको डिजाइन करना सिखाऊँगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरा वर्कपीज साइट है और ये जो चल रहा है ना, ये मेरा ऐड है। तो आप देख सकते हो मैं आपको ऐसा बनाना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो वायरल ट्रेंडिंग सॉन्ग रहेगा, मतलब कि जो ट्रेंडिंग में होगा, और यहाँ पर फ्यूचर फाइल जो होता है ना पीएचपी का, वो रहेगा यहाँ पर, और ये फ़ोटो के साथ, और ये लेटेस्ट अपडेट, उसका फाइल मैनेजर, उसका टॉप 20 फाइल्स एंड कॉन्टैक्ट अस, वो मैं सब कुछ ऐड करना सिखा दूंगा स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे से। फर्स्ट टाइम आपको कुछ, मतलब कि मैं ऐसा कुछ बनाना आपको सिखाऊंगा, उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जाना है workpeach.com पे। तो यहाँ पर आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है अपने आपको। मैं जैसे एक यूज़र नेम डाल दिया, और आपके यहाँ पर अपना जो ईमेल है यहाँ पर डालना पड़ेगा, यहाँ पर पासवर्ड, यहाँ पर इस पासवर्ड को यहाँ पर डाल के, यहाँ पर जो ऐसा ये है इसको यहाँ पर डाल देना होगा। तो मैं सब कुछ डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ डाल दिया, यहाँ पर जो पासवर्ड, यहाँ पर भी मैंने वो डाल दिया, और ये जो यहाँ पर था इसे यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पर और कर देना क्रिएट नाउ। तो यहाँ पर देखिए, आप साइट का नेम ऐड करने के लिए कह रहा है, इसे कर लेते हैं सेव, और यहाँ पर एक साइट का नाम दे देते हैं टीच बॉय करके, क्रिएट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए, ये साइट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो मुझे कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। टीच बॉय सौरभ करके क्रिएट नाउ। तो देखिए, साइट अवेलेबल है और मेरा साइट अब तैयार होगा। मैं आप साइट को व्यू करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा दिखा रहा है। अब आपको क्या करना है, पैनल पे जाना है। पैनल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है, यहाँ पर आपको जाना है प्रीसेट और टेम्पलेट। तो चले जाते हैं। उसके बाद आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर। तो अब देखिए, हमारा साइट अब कुछ ऐसा दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, मैं बता देता हूँ। आपको फिर से जाना है पैनल पे। तो पैनल पे आ गया। अब आपको सी एस एस कोड डालना पड़ेगा। तो मैं आपको CSS कोड का मतलब दिखा देता हूँ। आपको कोड का मतलब कि डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं कोड को लिया। तो फ्रेंड्स, ये रहा वो CSS कोड, आप देख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से पूरा कोड को कॉलेक्ट कर लेता हूँ कॉपी और जाता हूँ फिर से साइट पर। तो आ गया यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पर जो सिस्टम और ये जो CSS थीम, आपको जाना है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर जो एडिट फुल CSS पे कर देना क्लिक। उसके बाद ये जो CSS रहेगा इसको आपको पूरा हटा देना है। मैं कर देता हूँ काट पूरा। मैं स्किप करके कर लेता। तो फिर देखिए, मेरा पूरा CSS का क्लियर कर दिया। और उसके बाद आपको मैं जो CSS कोड दूंगा उसको आप यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, उसके बाद कर देंगे ओके। अब हम साइट को देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अभी वो CSS कोड आया नहीं, वो आ जाएगा थोड़ी देर में। तो आप कर लेता है बैक और आप कर लेता है चेक। दोस्तों, मैंने जो CSS कोड क्लियर किया था वो आपकी का ही रहेगा। तो लगता है कि मैंने पूरा क्लियर नहीं किया था, यहाँ पर थोड़ा बाकी था, तो मैं इसे भी क्लियर कर देता हूँ।
उसके बाद आपको डालना है कोड। काट इसे भी कर लेते काट, तो हो गया। अब मैंने काट करके मतलब कि वही वाले मतलब वो किस के ही कोड डाल दिया था गलती से, तो अब होगा आप ठीक है। अब आपको क्या करना है, अच्छे से मैं जो कोड दूंगा उसको पेस्ट कर देंगे। तो मैं उस कोड को ले आता हूँ फिर से, तो अब मेरे CSS कोड को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और उसको कर देते हो ओके। आप ज़रूर होगा दोस्तों, 100% गारंटी है। तो आप देख सकते हैं डिज़ाइन चेंज हो गया। अब मैं आपको सिखा देता हूँ इस साइड का मतलब कि पहले फुटर पे एडिट करना सिखा देता हूँ। तो आपको जाना है पैनल पे, इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है और जाना है फुटर पे। यहाँ पर आ गया, आप जाना है पैनल पे फिर से, उस पर जाना है एलिमेंट आइटम, उसके बाद जाना है एडिट पे। और आप यहाँ पर आपको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। आप चाहो तो मुझसे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इसका भी कोड दे दूँगा। यहाँ पर आपको लिख देना है डेवलपमेंट बाय, आपको जो यहाँ पर जो एजर रहेगा आपको यहाँ पर बस इसको डाल के यहाँ पर आपको अपना नाम और साइट का नेम भी दे सकते हैं। मैं आपका नाम दे देता हूँ मेरा, और यहाँ पर इस कलर को कर देते हैं चेंज, आप कर देते हैं एडिट। तो आप देख लीजिएगा व्यू करके, देखिए आप जाता हूँ इस पर, अगर मैं क्लिक करूँ तो देखिए मेरा साइट पे आ गया। आप मैं कुछ सिखा देता हूँ हेडर को एडिट करना, नहीं दोस्तों इस वीडियो में नहीं सिखा सकते हेडर को एडिट करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस वर्कपीस के लिए लोगो और इसे कैसे एडिट करते हैं, इस पे कैसे लोगों को ऐड कर सकते हैं यहाँ पर वो मैं सिखाऊंगा, और या इसको कैसे एडिट करते हैं और मैं सिखाऊंगा। मैं साइड पे जाता हूँ, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं सिखाऊंगा इसको कैसे ऐड करते हैं और इसको कैसे ऐड करते हैं फ्यूचर फाइल, और इसको कैसे कलरिंग करते हैं लेटेस्ट अपडेट और डाउनलोड पेज दिखा देता हूँ। आप कैसे डाउनलोड पेज बना सकते हैं ये आप मैं आपको सिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, कैसे आप रिलेटेड फाइल्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस साइट को ये जो ऐड दिखा रहा है इसी ऐड को भी कैसे हाइड कर सकते हैं और यहाँ पर आपने ऐड को कैसे डाल सकते हैं मैं वो भी सिखा दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सीख लेते हैं कुछ नया। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको कुछ नया नया टिप्स एंड ट्रिक्स मिलता रहेगा। बाय एंड जय हिंद फ्रॉम टेक बॉय सौरभ। बाय दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अभी कमेंट करना। बाय दोस्तों।